हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोग के लिए एक और नई रेसिपी लेके आई हूँ। रेसिपी का नाम है पके हुए केले के केक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक्स और कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी रेसिपी है पके हुए केले के केक। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने दो पके हुए केले ले रखे हैं और ये 1 बाउल मैदा, 1/3 बाउल मिल्क है, 1/2 बाउल कर्ड है, 3 टेबल स्पून शुगर पाउडर, 1/3 बाउल ऑयल है, इसमें किसी तरह का स्मेल नहीं है, 2 टेबल स्पून मैंने सूजी ले रखी है और ये वेनिला एसेंस है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने टिन को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें बटर पेपर डालूंगी। ये बटर पेपर नहीं है, मैंने प्लेन पेपर काट करके इस पर ऑयलिंग कर ली है। केक बनाने से पहले सबसे पहला काम मुझे ये करना होता है कि टिन को ग्रीस करके उस पर बटर पेपर लगा करके एक साइड रख देते हैं। मैं केक को कढ़ाई में बनाऊंगी, इसलिए मैं इसे गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ। 10 मिनट तक मैं इसे मीडियम आंच पे रखूंगी। इसको मैं ढक करके रख दूंगी। तो चलिए केक बनाने चलते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैं केले को डाल दूंगी। मैं इसे मैश कर लूंगी। केला अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें ऑयल डाल दूं। इसमें मैं शुगर डाल दूंगी, अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको। अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं इसमें 1/2 पाउल दही डाल देंगे। अच्छी तरह से दही भी इसमें मिक्स हो गया है। इसमें मैं 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे, इसे भी मिला लेंगे। अब मैं एक स्टेनर लूंगी, इसमें मैं मैदा डाल लूंगी और मैं इसे छान लूंगी। इसमें मैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, इसको भी मैं छान लूंगी। देखिए जो इसमें टुकड़े थे वो निकल गए। अब मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसमें सूजी भी डाल दूंगी और साथ में थोड़ा मिल्क डालूंगी। इसे मैं धीरे धीरे मिलाना है। एक साइड से हमें मिक्स करना है। इसमें थोड़ा मिल्क और पड़ेगा। देखिए ये अच्छी तरह से मिल गया है, बैटर तैयार हो गया है। देखिए बैटर तैयार हो गया है। चलिए अब मैं इसे केक टिन में डाल देती हूँ। इसको मैं थोड़ा थोड़ा टैप कर दूंगी। चलिए अब मैं इसे कढ़ाई में रखती हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब मैं इसे खोलती हूँ। हीट पूरा है इसमें, इस बाउल को अंदर डाल दूंगी। बाउल का यूज मैं स्टैंड के रूप में करूंगी और इसमें मैं केक टिन रख दिया है। अब मैं इसे ढक दूंगी। अभी मैं इसे 2 मिनट हाई फ्लेम पे रखूंगी, उसके बाद मैं मीडियम लो पे कर दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं रख दूंगी 30 से 35 मिनट के लिए। तो चलिए 30 मिनट बाद मिलते हैं। 30 से 35 मिनट हो गए, अब मैं केक को चेक करती हूँ। तो चलिए चेक करें। देखिए केक तैयार हो गया है। अब मैं इसे टूथपिक से चेक कर लेती हूँ। केक को मैंने बीच से चेक किया है। देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, यानी केक मेरा तैयार हो गया है। 30 मिनट में मैंने केक को चेक किया था, वो अभी तैयार नहीं हुआ था।
फिर मैंने 5 मिनट इसे और कुक किया, तब जा कर के केक तैयार हो गया है। और अब मैं इसे 20 मिनट तक ठंडा करूंगी और उसके बाद मैं टिन से बाहर निकालूंगी। 20 मिनट हो गए हैं, केक ठंडा हो गया है, अब मैं इसे टिन से बाहर निकालती हूँ। देखिए कितना आराम से निकल गया। अब मैं इसके पेपर को निकाल दूंगी। देखिए अच्छी तरह से केक तैयार हो गया है। बहुत अच्छा बना है, केक बन के तैयार है। चलिए इसे काट के दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। देखिए केक कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही स्पॉन्जी है। बनाना केक बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बनी है और बहुत ही स्पॉन्जी है। मैंने इसमें शुगर कम डाला है क्योंकि बनाना खुद ही मीठा होता है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हो, हाफ बहुत शुगर पाउडर इसमें डाल दीजिएगा। और बना करके बताइए कि कैसा बना है, और टेस्ट करके भी बताइए कि कैसा बना है। पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।